नमस्कार, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। 27 सितंबर जगह दिल्ली। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने मानवाधिकार विषय पर एक डिबेट कंपटीशन करवाई। वहां पर लोगों ने भाषण दिए। एक भाषण था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, CRPF की महिला कांस्टेबल खुशबू चौहान का वीडियो। पहले आपको वो पूरा वीडियो सुना देते हैं, बाद में उसकी कहानी सुनाएंगे। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय, भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय, हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे, हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब JNU विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया
के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शालों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। जब इसी वीडियो से जुड़ी हुई जानकारियां मैं सोशल मीडिया के जरिए जुटाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे खुशबू चौहान नाम का एक प्रोफाइल भी मिला, जिसमें उनका ये वीडियो डला भी हुआ है। ये खुशबू चौहान का असली प्रोफाइल है या नहीं, इसकी हमारे पास पुष्टि नहीं है। ये भाषण एक डिबेट कॉम्पिटिशन में दिया गया था। कॉम्पिटिशन में जीत हार होती है, कोई फर्स्ट आता है कोई सेकेंड। आप भी इस वीडियो को सुनकर मान चुके हैं अगर कि खुशबू ने क्या शानदार भाषण दिया, और फर्स्ट तो वो आई होंगी, तो आप गलत हैं। पहले तो इस भाषण के एक एक शब्द को गौर से सुना जाना चाहिए। उस कोख को नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। ये दोनों ही बातें भयानक हिंसा से भरी हुई हैं और नफरत से भरी हुई हैं। अफजल कोख से तय होकर नहीं निकलता। अफजल बेशक एक आतंकी था, लेकिन इसमें कोख का क्या कसूर? कांस्टेबल कोख को नहीं पलने देने की बात करती है। कोख तो मां की होती है। लड़ना आतंकवादी से है, ना कि एक मां की कोख से। दूसरा, तिरंगा किसी के सीने में गाड़ना, मतलब ये क्या ही बात हुई? कोई तिरंगा किसी के सीने में कैसे गाड़ सकता है और क्यों गाड़ेगा? यह उग्र राष्ट्रवाद की भाषा है। अव्वल तो ये कि कन्हैया कुमार देशद्रोही साबित नहीं हुए हैं, उन पर आरोप भर लगे हैं जो कि अभी तक किसी कोर्ट में साबित नहीं हुए। तो ऐसे में कन्हैया का जिक्र, उस पर भी सीने पर तिरंगा गाड़ देने की खौफनाक धमकी बहुत डराती है। देश के खिलाफ बोलने वालों से लड़ने के तरीके इस मुल्क के पास बहुत सारे हैं, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए। और ये बात CRPF जैसी नामी फोर्स की कांस्टेबल को तो पता होनी ही चाहिए। अब आपकी ये जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर में ये डिबेट जीता कौन। तो बता दें कि हिंदी वाली डिबेट में CISF के पवन कुमार को फर्स्ट प्राइज मिला, और वो भी मानवाधिकार के पक्ष में बोलने की वजह से। उनकी स्पीच का भी एक हिस्सा सुन लेते हैं जो उन्होंने खुशबू के एकदम ऑपोजिट दिया। सामना करते हुए हमें मानव अधिकारों का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ न्याय का ही नहीं अपितु प्रभावशीलता का प्रश्न भी है। सुरक्षा व्यवस्था चाहे कितनी भी बेहतर हो जाए, कभी पर्याप्त नहीं हो सकती। हमें उन निहित परिस्थितियों का सामना करना ही होगा जिसके कारण लोग विषैली सोच का शिकार बनते हैं। महोदय, बात चाहे अमरनाथ यात्रा की हो या वर्ष 2013 केदारनाथ घाटी का वो खौफनाक मंजर, जहां हमारे सुरक्षा बलों ने अति दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए हजारों लोगों को बचाया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब इतने दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, तो आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर सकते? जब अलगाववादी नेता एक पत्थरबाज को उकसाने में कामयाब हो सकते हैं, तो हम उन्हीं पत्थरबाजों को देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सकते? जिंदगी में हार और जीत का फैसला इंसान की सोच करती है। जिसने मान लिया वो हार गया, जिसने ठान लिया वो जीत गया। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने साथ बीती घटना की। महोदय, लोकसभा चुनाव 2019 में मैं अपनी टीम के साथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा बनकोट बूथ पर तैनात था, और मेरी टीम पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। हालात बहुत बेकाबू हो चुके थे। रात्रि 8 बजे का समय था और पत्थरबाज हमारे ऊपर पत्थरों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे, और इस स्थिति में भी हमने उनके मानव मूल्यों की रक्षा और अपने कुशल प्रशिक्षण का परिचय देते हुए अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन मानव अधिकार को आड़े नहीं आने दिया।
आपने हमारे सीआरपीएफ जवानों का वीडियो तो देखा ही है, जो एक रास्ते से गुजरते हैं और स्थानीय जनता द्वारा उन्हें लात गुस्से और हेलमेट से पिटने का सामना करना पड़ता है। महोदय, प्रशिक्षण की भट्टी में तपकर इतना लोहा बन चुके होते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करते। पठानकोट, बालाकोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जहां हमारे सैन्य बलों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर धूल चटा दी और मानवाधिकार कहीं आड़े नहीं आया। ये डिबेट हुई थी दिल्ली में पिछले महीने यानी सितंबर की 27 तारीख को। विषय था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों की सुरक्षा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिन्हें पहले पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था, हर जगह से दो दो स्पीकर्स बुलाए गए थे। पैरामिलिट्री आप समझते होंगे, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब जो मिल करके हैं, इनको आजकल अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहते हैं। तो वहां से हर फोर्स से दो दो स्पीकर्स बुलाए गए थे। 8 जोन के बीच ये डिबेट हुई। खुशबू चौहान का वीडियो इतना वायरल हुआ और उस पर इतनी चर्चा हुई कि खुद सीआरपीएफ को सफाई देनी पड़ी। आज तक की खबर के मुताबिक सीआरपीएफ ने कहा है कि खुशबू चौहान की स्पीच अच्छी थी, लेकिन उसके कुछ हिस्सों से बचा जा सकता था। उन्हें इस बारे में सलाह भी दी गई है। जैसे फर्स्ट प्राइज जीतने वाले पवन कुमार ने मानवाधिकार के पक्ष में बात कही, वैसी ही बात असम राइफल्स के जवान बलवान सिंह ने भी की और उनकी बात भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई। जिन महान पुरुषों ने विषय चुना है, बिल्कुल सत्य चुना है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मानवाधिकार तो वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी ताकतों का खतरा बढ़ जाता है, वहां शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मानवाधिकार आयोग अपनी आवाज वहीं उठाता है जहां हम सुरक्षा बलों के द्वारा कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की अनदेखी की जाती है, जिसका उदाहरण वर्ष 2000 से 2012 तक सिर्फ मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों पर 1528 फर्जी मुठभेड़ और न्यायिक हत्याओं के मामले दर्ज हुए। यदि सारे देश के आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2016 में पुलिस फायरिंग में 92 नागरिक मारे गए, 351 घायल हो गए और उसी वर्ष लाठीचार्ज में 35 नागरिकों की मौत हो गई और 759 लोग घायल हो गए। मेरे काबिल साथियों, बहादुरी मारने में नहीं बल्कि बचाने में होती है, और यदि बम, बारूद और बंदूक के दम पर ही शांति स्थापित की जा सकती तो अब तक पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शांति स्थापित हो गई होती। लेकिन नहीं मेरे साथियों, नहीं, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा और प्यास से जीता जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 4 वर्ष पुराने गृह युद्ध का अंत करने के पीछे केवल एक ही कारण बताया था। उन्होंने कहा था, आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज व्हेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स। अतः यदि दुश्मन को हथियार की बजाय प्यार से जीता जाए तो वहां दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और लोगों के दिलों में बदले की भावना भी नहीं रहती, क्योंकि असली जंग तो लोगों के दिलों में लड़ी जाती है और लोगों के दिलों को मानव अधिकारों का हनन करके नहीं बल्कि मानव अधिकारों का सम्मान करके जीता जा सकता है। और जहां मानव अधिकारों का हनन होता है, वहां पर बदले की भावना से पान सिंह तोमर और फूलन देवी जैसी मासूम महिला को भी खतरनाक डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ता है। वापस खुशबू पर लौटते हैं। आप सोच रहे होंगे, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा पुरस्कार तो मिला ही होगा। जी नहीं, उन्हें सांत्वना पुरस्कार मिला। लेकिन हम जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात और करना चाहते हैं, वो ये कि जब से खुशबू चौहान का भाषण वायरल हुआ है, उनकी तारीफ के बराबर की आलोचना भी हो रही है। आलोचना करने वाले उनकी मानसिकता, उनके लड़की होने के बावजूद कठोर बात कहने से लेकर उनको बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। यहां हमें यह बात समझनी चाहिए कि खुशबू डिबेट के लिए बोल रही थी, जो बाकायदा करवाई गई, उसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष, दोनों की तरफ से वक्ता ये जिम्मेदारी निभाते हैं कि वो अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखें। खुशबू ने भी वही किया। ऐसा भी मुमकिन है कि उन्हें इस मुद्दे के पक्ष में बोलना होता, यानी मानवाधिकारों के पक्ष में बोलना होता, तो वो शायद इसके ठीक उलट बात कर रही होती, क्योंकि डिबेट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। लेकिन ये जानते हुए भी कि हमारी फोर्सेस को जमीन पर काम करते हुए बहुत मुश्किल हालात में रहना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि कई बार मानवाधिकार की आड़ में आतंकवादी, अतिवादी हमारी फोर्सेस के लिए परेशानी पैदा करते हैं,
हमें इस बात पर सहमत होना ही होगा कि छाती पर तिरंगा गाड़ देना और किसी माँ की कोख उजाड़ देना हल नहीं हो सकता। ये बहुत उत्तेजना भरने वाले बयान हैं जिन्हें CRPF, CISF, SSP जैसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तो बिल्कुल बची रहनी चाहिए। लंडन टॉप पर ये वीडियो यहीं तक। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में मेरे साथी राकेश थे। एक जरूरी अपील ये है कि वीकेंड पर भी अब आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो हमारे पास उपलब्ध रहता है जो पहले टीवी पर आता है उसके बाद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वो है लंडन टॉप की क्विज शो जिसे होस्ट करते हैं सौरभ द्विवेदी। प्लीज उसे भी देखें और उसके फीडबैक भी हमें दें। शुक्रिया।